नेक्स्ट सेशन में जस्ट मैं डिस्कस करूंगा अबाउट पैलिंड्रोम ऑपरेशन, चेक द गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। मीन्स अगर किसी भी ओरिजिनल स्ट्रिंग के कंटेंट्स अगर उसके इक्विवेलेंट रिवर्स स्ट्रिंग से एग्जैक्टली मैच होते हैं, देन इस केस में स्ट्रिंग कैसा हुआ, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम अदरवाइज नॉट पैलिंड्रोम। मीन्स इस पर्टिकुलर पर्पज को फुलफिल करने के लिए मैं क्रिएट क्या करूंगा, सेपरेट सी फंक्शन। इस फंक्शन से जैसे रिटर्न क्या करा हुआ, आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर दोनों से गिवन स्ट्रिंग अगर पैलिंड्रोम है, रिटर्न क्या करा हुआ, ट्रू। और सी लैंग्वेज के अंदर ट्रू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज क्या करते हैं, ऑलवेज नॉन जीरो नंबर और वन। सिमिलरली अगर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं दें, रिटर्न क्या कराएंगे, फॉल्स। और फॉल्स को रिप्रेजेंट कैसे करा हुआ, इससे वन सॉरी जीरो से। तो फाइनली इस फंक्शन से रिटर्न क्या हुआ, आइदर वन और जीरो। क्लियर, वन और जीरो दोनों ही किस टाइप के वैल्यू है, इंटीजर टाइप। इसलिए फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज करेंगे एज अ इंट। फंक्शन नेम में यूज करा इज पैलिंड्रोम, इज पैलिंड्रोम। देन आर्गुमेंट में पास क्या करेंगे, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग। रिक्वायर्ड स्ट्रिंग के केस में जस्ट डिक्लेरेशन प्रोवाइड करें एज कैरेक्टर एरे एस। एस कन्वर्ट किस में होगा, पॉइंटर डिक्लेरेशन में। सबसे पहले मैं इसके लॉजिक से डिस्कस कर रहा हूं, जस्ट टू और थ्री केसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर इस फंक्शन के अंदर आप पास करते हो इनसाइड मेन, मेन के अंदर क्या है सम इफ कंडीशन, और इफ कंडीशन में आप कॉल क्या कर लो, इज पैलिंड्रोम फंक्शंस। इज पैलिंड्रोम से रिटर्न क्या हुआ, आइदर ट्रू और फॉल्स। देन सप्लाई क्या करें, गिवन स्ट्रिंग। फर्स्ट केस मैंने स्ट्रिंग पास किया जाए ए बी सी बी ए लाइक दैट। तो इस केस में जस्ट टेस्ट कर दें, इसे जस्ट इस केस में क्रिएट किया हुआ कैरेक्टर एरे। इस कैरेक्टर एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने क्रिएट होंगे, सिक्स इंक्लूडिंग नल। फर्स्ट केस में आसान क्या हो जाएगा, ए बी सी देन अगेन बी देन ए देन नल। इंडेक्स वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव। एरे का नेम क्या है इस केस में, जस्ट एस। एड्रेस क्या रहेगा, समथिंग 100 101 एंड सो ऑन। फाइनली इस केस में जस्ट आपको परफॉर्म क्या करना है, पैलिंड्रोम टेस्ट करने के लिए। पर इस केस में आपको अप्लाई क्या करना है, स्ट्रिंग रिवर्स ऑपरेशन। तो रिवर्स ऑपरेशन के लिए आपके पास टू चॉइस हैं, या तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप पहले सेपरेटली रिवर्स फंक्शन क्रिएट करो और कंपेयर फंक्शन। रिवर्स फंक्शन का वर्किंग क्या है, स्ट्रिंग के जो भी आपके पास ओरिजिनल स्ट्रिंग है, उस ओरिजिनल स्ट्रिंग को जस्ट रिवर्स कराना। तो रिवर्स कराने के लिए कॉल क्या कर लेंगे, रिवर्स फंक्शन। और रिवर्स फंक्शन में सप्लाई क्या करो, ओरिजिनल स्ट्रिंग। एक और किसी याद रखना, ओरिजिनल स्ट्रिंग के कंटेंट्स रिवर्स हो चुके हैं, इसलिए आपको सेपरेट स्ट्रिंग में असाइन कराना पड़ेगा। मीन्स वन मोर थिंग्स, देन उसके बाद जस्ट कंपेयर इन दिस द ओरिजिनल स्ट्रिंग, दिस इज द रिवर्स्ड कंटेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग। देन इसको कंपेयर करने के लिए आप कॉल क्या करोगे, कंपेयर फंक्शन। दिस इज द फर्स्ट केस। क्लियर, दूसरा केस क्या, अगर आप रिवर्स फंक्शन और कंपेयर फंक्शन को क्रिएट करने में इंटरेस्टेड नहीं, देन सेम लॉजिक आपके लिए डायरेक्टली परफॉर्म कराना पॉसिबल है। तो इस केस में डायरेक्टली लॉजिक्स परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट कंप्लीटली ट्रेवर्स करना होगा। ट्रेवर्सिंग के साथ साथ आप क्या करोगे, स्ट्रिंग का फर्स्ट, अगर रियल में स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर और स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, शुड बी सेम। चेक कर सकते हो स्ट्रिंग का रिवर्स वैल्यू भी क्या आएगा, ऑल्सो सेमी से स्ट्रिंग कैसा है, पैलिंड्रोम। इस केस में फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, ए। लास्ट कैरेक्टर भी क्या है, ऑल्सो ए। मीन्स देन नेक्स्ट केस में चेक क्या करें, नेक्स्ट लेवल पर। देन बी को किससे मैच करेंगे, सेकंड कैरेक्टर मैच करोगे सेकंड लास्ट से। तो सेकंड कैरेक्टर और सेकंड लास्ट कैरेक्टर का भी वैल्यू क्या है, ऑल्सो सेम। देन सी इटसेल्फ कंपेयर करने की आपको नीड ही नहीं, मीन्स स्ट्रिंग के साथ पैलिंड्रोम। मीन्स फाइनली आपको क्या करना है, स्ट्रिंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों ही साइड से आपको विजिट करना है, एग्जैक्टली रिवर्स ऑपरेशन कराना है। लेकिन रिवर्स ऑपरेशन साथ साथ रिवर्स ऑपरेशन में परफॉर्म क्या कराया था, स्वैपिंग बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर और स्वैपिंग बिटवीन आईथ एंड जेथ इंडेक्स। लेकिन इस केस में स्वैपिंग लग रहा है कि आपको स्वैपिंग के प्लेस पर परफॉर्म क्या कराना, कंपेरिजन। जैसे ही मिसमैचिंग कैरेक्टर फाउंड होता है, फॉर एग्जाम्पल इस प्लेस पर मिसमैचिंग कैरेक्टर मैंने प्रोवाइड किया समथिंग डी, इस केस में बी और डी मैच, उम्मीद से ए तो मैच हो रहा है, नेक्स्ट टाइम जब बी और डी मैच करें तो इस केस में क्या, नॉन मैचिंग। नॉन मैचिंग केस में इमीडिएटली रिटर्न क्या करा था, फॉल्स मीन्स जीरो। अगर ये लूप कंप्लीटली ट्रेवर्स हुआ है या लूप सक्सेसफुली फिनिश हुआ है, देन उस केस में जस्ट इसका मीनिंग क्या है, कोई भी नॉन मैचिंग कैरेक्टर फाउंड हुए, देन लूप के बाहर आप रिटर्न क्या करा हुए, ट्रू। जस्ट लॉजिक क्या रहेगा इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जब लूप विजिट करो तो आपको टू इंडेक्स मैनेज करना, आई एंड जे। तो आई के केस में जस्ट डायरेक्टली का आसान करा हुए जीरो, एंड जे के केस में आसान क्या कराएंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एस माइनस वन। क्योंकि इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। लेकिन लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स क्या है, फाइव माइनस वन, इसलिए यूज कर रहे हैं माइनस वन। जस्ट आपको रिवर्स ऑपरेशन इंप्लीमेंट करना, नथिंग न्यू।
नेक्स्ट वन, इस केस में लेंथ फंक्शन मैं ऑलरेडी क्रिएट करा चुका हूँ, इसलिए मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ लेंथ फंक्शन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अदरवाइज आप चाहो तो लेंथ फंक्शन के लिए सेपरेटली लॉजिक स्टार्ट कर सकते हैं। लेंथ फंक्शन जस्ट लॉजिक क्या थे, इस केस में यूज क्या कर रहे हैं, टू वेरिएबल्स इंट आई कॉमा जे। तो जे में जस्ट रिक्वायर्ड क्या है, जे के अंदर मैनेज क्या करना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ काउंट करने के लिए जस्ट फॉर लूप यूज करूंगा, जे इक्वल्स टू जीरो। लूप कब तक चलाना, जब तक स्ट्रिंग के अंदर आपको नल नहीं मिल जाता है, जे प्लस प्लस। जैसे ही लूप टर्मिनेट होगा देन जे के अंदर अवेलेबल क्या हुआ, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। अदरवाइज आपके पास इस लूप का अल्टरनेटिव क्या है, लूप के प्लेस पर आप कॉल क्या कर सकते हो, लेंथ फंक्शन अगर आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो देन ओनली सप्लाई क्या करोगे, एस माइनस वन। क्लियर, देन इसके जस्ट बाद लेंथ में क्या है, जे में क्या चुका है, क्या आएगा फाइनली लेंथ, लेकिन आपको लेंथ रिक्वायर्ड है, लेंथ माइनस वन, लेंथ माइनस वन। जैसे ही कंट्रोल लूप से बाहर आ गया देन परफॉर्म क्या करा लो, जे माइनस माइनस। क्लियर, अभी तक मैंने ओनली लेंथ कैलकुलेट किया, उसके जस्ट बाद कंपेरिजन स्टार्ट करेंगे फोर लूप, मीन्स आई के पास क्या आसान होगा, जीरो, और जे में असाइनमेंट ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, जे के अंदर क्या है, मीन्स स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग आई में क्या आसान होगा, जीरो, और जे में क्या आसान हो जाएगा, लेंथ माइनस वन मीन्स फोर, दिस द करेंट वैल्यू ऑफ आई एंड जे। कंडीशन क्या लगाओगे फोर लूप के अंदर, स्ट्रिंग विजिट कब तक करना, जब तक आपको नल नहीं मिल जाता है, एस ऑफ सॉरी कंडीशन क्या था इस केस में, जब तक आई का वैल्यू जे से छोटा है, आई लेस देन जे, देन आई प्लस प्लस, आई में एवरी टाइम परफॉर्म क्या हुआ, इंक्रीमेंट, मीन फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या, जीरो, नेक्स्ट टाइम वन, नेक्स्ट टाइम टू एंड सो ऑन। फर्स्ट टाइम जे का वैल्यू क्या, फोर, नेक्स्ट टाइम थ्री, नेक्स्ट टाइम टू एंड सो ऑन। मीन जे में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, तो यूज क्या करें, जे माइनस माइनस। अगर आपको इस लॉजिक्स में कहीं भी कंफ्यूज हो रहा है, आप पहले रिवर्स फंक्शन वाले वीडियो को वॉच कर लेना, देन आपके लिए इजिली समझना पॉसिबल है। नेक्स्ट वन, फोर लूप के अंदर जस्ट लॉजिक क्या इंप्लीमेंट करना है, मीन्स इनसाइड फोर, फोर लूप के अंदर आपको अगेन वन मोर कंपेरिजन प्रोवाइड करना, लाइक दैट इफ एस ऑफ आई, आई मीन्स बिगिनिंग पोजिशन, और एस ऑफ आई एस ऑफ जे के इक्वल है, इसका मीनिंग क्या है, दोनों कैरेक्टर कैसे सेम, सेम है, देन आपको लूप जस्ट कंटिन्यू करना है, मीन्स कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कराना है। बट सपोज दैट एस ऑफ आई का वैल्यू एस ऑफ जे से मैच नहीं होता है, देन इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, मीन्स इसके साथ परफेक्टली श्योर हो स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं, देन इमीडिएटली इस प्लेस से आप रिटर्न क्या कराओगे, रिटर्न जीरो, मीन्स रिटर्न फॉल्स, मीन्स अगर एक कंडीशन ट्रू हो रहा है इसका मतलब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, पैलिंड्रोम नहीं, देन रिटर्न क्या कराएं, फॉल्स, फॉल्स के रिस्पेक्ट में यूज क्या करें, जीरो। बट सपोज दैट ए लूप परफेक्टली विजिट हो रहा है, मीन्स अगर कोई भी नॉन मैचिंग कैरेक्टर फाउंड ही नहीं हुआ है, और लूप नॉर्मली अगर टर्मिनेट हो चुका था, इसका मतलब कंट्रोल कहाँ आएगा, आउटसाइड लूप, और आउटसाइड लूप अगर कंट्रोल आया था, नहीं एक्नॉलेजमेंट किसका दे रहा है, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, मीन्स कोई भी नॉन मैचिंग कैरेक्टर अवेलेबल ही नहीं था, इस केस में इमीडिएटली रिटर्न क्या करा दोगे, रिटर्न वन मीन्स ट्रू। इस लॉजिक के थ्रू जस्ट स्ट्रिंग को टेस्ट करना पॉसिबल है, गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट।